नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। यहां पे देख सकते हैं 2000 अभ्यर्थियों का दो समूह एक को रोका, दूसरा पहुंचा डाक बंगला चौराहा। जी हां, एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं आपको बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। आप लोग देख रहे हैं कि बिहार में डोमिसाइल हटा दिया गया है। उसी डोमिसाइल को हटाने के कारण बिहार के हजारों सैकड़ों जो अभ्यर्थी हैं वो रोड पर आंदोलन कर रहे हैं। और ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं, ये पटना का पिक्चर आपको दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि गांधी मैदान के पास सभी अभ्यर्थी जमा हुए, उसके बाद हाथ में तिरंगा लिए वहाँ से राजभवन मार्च के लिए निकले। पहले से सतर्क पुलिस जेपी गोलंबर के पास थी, वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई। बैरिकेडिंग तोड़ने पर जब अभ्यर्थी उतार हुए तो झड़प हुई। अभ्यर्थियों ने रोड़ेबाजी की, तब पुलिस ने लाठी भांजी जिसमें दोनों ओर से घायल हुए। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा पेपर वाला गलत लिख रहे हैं कि अभ्यर्थियों की तरफ से रोड़ेबाजी की गई है, जबकि वहाँ पे बहुत सारे कैमरा थे, मीडिया कर्मी वाले थे। ये कहीं शो नहीं किया गया है कि अभ्यर्थी रोड़ेबाजी की, तो पुलिस ने ही लाठीचार्ज अभ्यर्थियों पर किया था। खैर, ये बिहार सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, ये कुछ भी पेपर में छपवा सकते हैं, लिखवा सकते हैं। अब देखिए, बाहरी को बाहर करने की मांग, पुलिस और शिक्षक अभ्यर्थी भिड़े, 10 घायल। धमकी, एक सप्ताह के बाद फिर होगा पटना में उग्र प्रदर्शन। नियमावली का विरोध करने वाले शिक्षकों पर भी की जाएगी कार्रवाई। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। डाक बंगला चौराहा पर पथराव, लाठीचार्ज, 19 नामजद, 660 अज्ञात पर केस किया गया है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये खबर दैनिक भास्कर में प्रकाशित किया गया है। क्राइम रिपोर्टर की तरफ से खबर दिया गया है, बिहार में होने जा रहे 1,70,000 शिक्षकों की बहाली में सरकार की ओर से डोमिसाइल की अनिवार्यता को हटाने के विरोध में 2000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने शनिवार को राजधानी में प्रदर्शन किया। गांधी मैदान के पास सभी अभ्यर्थी जमा हुए, उसके बाद हाथ में तिरंगा लिए वहां से राजभवन मार्च के लिए निकले। पहले से सतर्क पुलिस जेपी गोलंबर के पास थी, वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। बिहार प्राथमिक युवा शिक्षक संघ के बैनर तले राजभवन करने को निकले अभ्यर्थियों को इसकी भनक लग गई। इसमें सीटेट, बीटेट और एसटीटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों से एसबीआई मेन ब्रांच के सामने ही पुलिस ने धक्का मुक्की हो गई। वहां से अभ्यर्थी का एक समूह जेपी गोलंबर के पास पहुंचा, पुलिस ने वहीं रोक दिया। तीखी नोकझोंक हुई, 20 मिनट तक जमकर खदेड़ा खदेड़ी हुई, फिर अभ्यर्थी वहां से तितर बितर हो गए। उधर अभ्यर्थियों का दूसरी टुकड़ी स्टेशन के पास निकली और डॉक बंगला चौराहा के पास पहुंचकर रोड को जाम कर दिया। इसी बीच जेपी गोलंबर के पास उन्हें रोके गए अभ्यर्थी से डाक बंगला चौराहा पहुंच गया, वहां से 3 घंटे तक जाम कर दिया गया। देख सकते हैं अभ्यर्थियों की तरफ फिर दिया गया कि धमकी, एक सप्ताह के बाद फिर होगा पटना में उग्र प्रदर्शन। जी हां, अगर आप डोमिसाइल नहीं हटाते हैं तो ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। डाक बंगला चौराहा पर एडीएम विधि व्यवस्था हेमंत कुमार सिंह, डीसीएलआर बी के पांडे, टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह, विधि व्यवस्था डीएसपी नूरुल हक के अलावा कोतवाली और गांधी मैदान थानेदार के साथ ही भारी तादाद में पुलिस मौजूद थी। पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां से हटाने को कहा, बात बढ़ गई, देखते ही देखती पुलिस का भिड़ंत हो गई। इतने में अभ्यर्थी की ओर से पथराव होने लगे। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। महिला अभ्यर्थी का महिला पुलिस ने कपड़ा पकड़ लिया। लाठी चलने के बाद वहां भगदड़ की स्थिति बन गई। पुलिस कईयों को टांग कर ले गई। पुलिस ने अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। 19 नामजद, 600 अज्ञात पर केस किया गया है। कोतवाली और गांधी मैदान थाना में 19 शिक्षक अभ्यर्थियों व 660 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। इनमें गांधी मैदान थाना में एक को नामजद किया गया जबकि 60 अज्ञात पर केस हुआ है। कोतवाली थाना में 18 नामजद और 600 अज्ञात पर केस दर्ज किया गया है। इन सबों पर पथराव करने, सरकारी काम में बाधा डालने, डाक बंगला चौराहा पर जाम
करने की आदि को केस हुआ है। इन दोनों थानों की पुलिस ने जिन 36 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया था सभी को नोटिस थमाकर छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि नियमावली का विरोध करने वाले शिक्षकों पर भी की जाएगी कार्रवाई। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के विरोध में धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। एक और नियोजित शिक्षकों ने नियमावली के विरोध में लगातार आंदोलन की तिथि तय कर दी है। 11 जुलाई को विधानसभा का घेराव, 12 जुलाई को पटना में सभी विधायक आवास का घेराव की घोषणा की गई है। शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कार्रवाई के संबंध में जिलों को निर्देश दिया है। बाद में शिक्षा निदेशक कन्हैया कुमार प्रसाद श्रीवास्तव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी क्षेत्रीय उप निदेशक और सभी डीओ से आंदोलन करने वाले शिक्षकों को चिन्हित कर कार्रवाई के लिए कहा गया है। यानी कि अब सरकार ये पूरी तरह से सख्त हो गई है बिहार नियमावली को लेकर। अब कोई कदम उठाने वाली है या नहीं ये देखना जरूरी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगी दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।